स्वामी जी, माइंड से जुड़ी हुई एक और परेशानी है, वो है वर्टिगो। वर्टिगो जिन्हें आता है वो खड़े खड़े अपनी जगह पे या तो गिर जाते हैं और कुछ उल्टियां करने लगते हैं। अचानक से उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि क्या किया जाए, कैसे बचाया जाए। तो अटैक आने की वजह क्या है और फिर अटैक आने पर तुरंत क्या करना चाहिए? तो मीनाक्षी जी, मैं कहता हूँ बालकोनी में नहीं जाना चाहिए। हमारे हरिभाषा भाई साहब थे, बहुत धार्मिक पवित्र आत्मा, सात्विक आत्मा, बालकोनी मिथे नीचे की तरफ झांका, चक्कर आए, वहीं से गिर गए, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो एक तो जिनको वर्टिगो की प्रॉब्लम, उनको कभी स्कूटर नहीं चलाना चाहिए, मोटरसाइकिल नहीं चलानी चाहिए, कभी बालकोनी में नहीं जाना चाहिए। उनको ड्राइविंग करते समय भी बहुत जो है एहतियात बरतने की जरूरत है। अचानक से वर्टिगो आ गया और एक्सीडेंट भी हो सकता है। कल ये गाड़ी रुड़की पड़ी थी पीछे नेशनल हाईवे के ऊपर ही। तो देखो, जिनको वर्टिगो है उनको आराम आराम से एक तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। वर्टिगो के तीन बड़े कारण हैं। एक तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम की कनेक्टिविटी की, कोऑर्डिनेशन की, सिग्नलिंग की प्रॉब्लम है, वो तो अनुलोम विलोम से ठीक हो जाएगी। दूसरा, सर्वाइकल स्पोलाइटिस, पेन की वजह से वर्टिगो होता है, उसके लिए भुजंगासन, सलभासन और मरकट आसन, फिर करो बेटियों अब मरकट आसन करना चाहिए, उष्ट्रासन करना चाहिए, ज्यादा नहीं कर पाए तो अर्ध उष्ट्रासन करना चाहिए, इतना सा है। अब देखो, एक साथ सारा डेमोंस्ट्रेशन चल रहा है ऐसे, ये इतना इजी है, इतना तो कर ही सकते, इतना भी ना कर पाए तो इतना कर लें, इतना भी ना कर पाए तो इतना कर लें, इससे वर्टिगो की प्रॉब्लम नहीं होती। एक वर्टिगो का कारण होता है, किसी किसी को गैस बहुत बनती है, बात के कारण सी है लेकिन गैस के कारण से भी वर्टिगो की प्रॉब्लम होती है। तो जिनको वर्टिगो हो उनको जनरली तो पिरानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड खाने से बात बन जाती है, खाली पेट पिरानिल गोल्ड एक एक, और अब तो सर्दियां हैं दिसंबर जनवरी में तो दो दो ले सकते हैं, पिरानिल गोल्ड दो दो, ऑर्थोग्रिड जो है ये दो दो, और उसके साथ एक एक गोली त्रयोदशांक गूगल की ले सकते हैं। और जिनका ब्रेन और नर्वस सिस्टम वीक है उनको तो अश्वगंधा या अश्वशिला भी ले सकते हैं। और ये बच्चे, अरे राम राम राम, इनकी कोच ने इनको ज़्यादा ही फंसा दिया भाई। और ये लगाओ उधर देखो, आप जो ऐसे दंड लगाएंगे और ऐसे कुश्ती करेंगे भाई, ये थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है, ऊपर वाला ज़्यादा तगड़ा है, इसको दूसरे से बढ़ाना पड़ेगा। अब ये देखो, ये बेटियाँ हैं, ये तो इनको चोट भी नहीं आती, जब आई थी तब ऐसे ही ढाई ढाई तीन तीन फिट की थी, अब बड़ी मजबूत हो गई है। कृष्णा जी, अनुलोम विलोम कर लो, इससे दिमाग भी तेज हो जाता है। और वो उधर तो एक छोटा सा बाबू है, देखो लेकर के चढ़ रहा है, उसको ऐसे चढ़ रहा है जैसे हनुमान जी चढ़ गए। और ये ऊपर, अब बताओ ऐसे, ये मलखम्ब है एक, ये तो है लकड़ी वाला मलखम्ब और उधर है वो रस्सी वाला मलखम्ब, दोनों में ये दो बहुत जोरदार मैटर है।